Today we are going to study a new topic, transformation. Transformation means changing of words of a sentence without changing its meaning. सेंटेंस के अर्थ में परिवर्तन लाए बिना उसके शब्दों या उसके रूप में परिवर्तन करना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज ब्रेव. ये कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है. हमें इसे नेगेटिव बनाना है, तो कैसे बनेगा ये नेगेटिव? ही इज नॉट ए कावर्ड, ऐसे भी बोल सकते हैं हम. सेकेंड एग्जाम्पल, हाउ ब्रेव ही इज, ये एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है. इसको अगर हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ही इज वेरी ब्रेव, ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया. काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, अब हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं. नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? सकारात्मक वाक्य कहते हैं हिंदी में से. जिस सेंटेंस में डूअर या फिर कर्ता जो होता है किसी बात को स्वीकार करे, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम इज रीडिंग ए बुक, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है. सेकेंड, नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? जिसे हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं. जिस सेंटेंस में डूअर या कर्ता किसी बात से इनकार करे, या जिस वाक्य में किसी बात के नहीं होने का कहा जाए या कोई काम नहीं हो रहा है, नेगेटिविटी बताई जाए, तो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राम इज नॉट रीडिंग ए बुक, एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया. थर्ड, इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? प्रश्नवाचक वाक्य. जिस सेंटेंस में कोई प्रश्न पूछा जाए, उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. ये दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट, यस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं. सेकंड, जो WH वर्ड से जो पूछे जाते हैं, वो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं. फॉर एग्जांपल, हम एक हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन शुरू होता है वो भी इंटरोगेटिव में आ जाएगा. जैसे, इज राम रीडिंग ए बुक, इज हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है. सेकेंड एग्जाम्पल, वाई इज राम रीडिंग ए बुक, तो ये WH वर्ड से शुरू हो रहा है. तो जो ऐसे सेंटेंस होते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं. नेक्स्ट, इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं ये. इसमें ऑर्डर दिया जाता है, जिसे हम आज्ञा कह सकते हैं. कमांड हो सकता है, आदेश. कोई सजेशन या कोई एडवाइस दी जा सकती है, सलाह. कोई रिक्वेस्ट हो सकती है, निवेदन आदि. ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं. नेक्स्ट,
एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? विस्मय आदि बोधक वाक्य को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जिन सेंटेंस में जॉय, हर्ष, शोक जिसे सौरो कहते हैं, सरप्राइज, आश्चर्य, घृणा, प्रीति, फियर, सस्पेंस आदि भाव को प्रकट किया जाता है उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इच्छा सूचक वाक्य को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन सेंटेंस में कोई डिज़ायर हो सकती है, मीन्स कोई इच्छा, विश हो सकती है, कामना, ब्लेसिंग हो सकती है, आशीर्वाद, ग्रीटिंग, अभिवादन करना, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई देना, ऐसे भाव प्रकट होते हैं। थैंक यू।